हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैसी टेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं आपको अपने रिश्ते में आज क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको आपके रिश्ते में। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड रहते हैं अपने रिश्ते को लेकर, कुछ लोगों की मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रही हूँ, रिश्ते को लेकर अपने बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं यार ये कैसे होगा, यार वो कैसे होगा, कैसे कैसे करके, आप लोग बहुत ज़्यादा अगर टेंशनाइज्ड रहते हैं तो उस टेंशन को आपको यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत है। उस चीज़ को लेकर चलकर बैठने की ज़रूरत नहीं, अरे यार अरे यार अरे यार कैसे होगा, काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। उस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है, क्योंकि जितना नेगेटिव आप रहेंगे उतनी ही नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट भी करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है, कुछ भी होता है, जिसके वजह से ऐसी सिचुएशंस आपकी आ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं, सर दर्द, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी, ये देखिए फिर से वही मैसेज आ गया है, रेस्ट लीजिए खुद को आप और अपनी मेंटली, अपनी जो चीज़ें हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं उस चीज़ से आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। खुद को हील करिए, मेडिटेशन कीजिए। बहुत ज़्यादा सोचने से क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा परेशान ही रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, हल तो कुछ निकलने वाला है नहीं। सिर्फ सोचने से हल निकलता तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिएगा। और ओके, अगर आप लोग चीज़ों को यहाँ पर ऐसा लगता है, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे लगता है आप हर दो दो मिनट पर आप लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्या सब ख़त्म हो जाएगा, क्या सब ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस अगर आती हैं तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। ख़त्म कुछ नहीं होगा अगर हम स्टेप सही लेंगे तो, ख़त्म कुछ भी नहीं होगा, बस चीज़ों को सही देखने की ज़रूरत है। ओके, जिन चीज़ों से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना आपके रिश्ते में, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल दरकिनार करने की ज़रूरत है। एक नई ग्रोथ, अपने एक नयापन आपके रिश्ते में आपको लाने की ज़रूरत है। टेंशन किस बात की, अगर हमारे नसीब में है तो हमें मिलेगा। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। सोच सोच के अपने आप को हम इस सिचुएशन में नहीं डाल सकते हैं ना, इससे क्या होगा, तकलीफ़ में रहेंगे, मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, ना हम फोकस कर पाएंगे किसी भी चीज़ में, समझ रहे हैं। ओके बहुत एक ही मैसेज बार बार आपके पास आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशनाइज, बहुत ज़्यादा दुखी, पेन में, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आपके रिश्ते में आर्ग्यूमेंट है, झगड़ा है, तो प्लीज़ उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितने भी ये व्यूवर्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के रिश्ते में यही सिचुएशन चल रही है, रोज़ ख़त्म हो जाना, फिर नया स्टार्टअप होना, फिर से वही टेंशनाइज्ड हो जाना, फिर से वही झगड़े होना, फिर वही हार्ट ब्रोक हो जाना, फिर से मेंटल डिस्टर्ब हो जाना, फिर से वही आर्ग्यूमेंट, रिपीटेटिव यही चीज़ें आपके पैटर्न में चल रही हैं। रोज़ रिश्ता ख़त्म हो जाने की कुछ लोग धमकी देते हैं, ख़त्म कर लूँगा, ये कर लूँगी, या ऐसा होगा या वैसा होगा। हो सकता हो एक दो दिन के लिए हो भी जाता हो, लेकिन फिर से सब ठीक हो जाता हो, लेकिन फिर से वही रिपीटिव चीज़ें हो जाती होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको अपने रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होते रहेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया, ये सब चीज़ें ख़त्म करिए और इसके आगे बढ़िए, सेलिब्रेट करिए खुद के रिश्ते को, इन्जॉय करिए, खुशी मनाइए, आगे बढ़िए। कमिटमेंट तक की अगर रिक्वायरमेंट हो तो कमिट करिए एक दूसरे को, मैरिज तक पॉसिबल हो तो मैरिज करिए, बट इस सिचुएशन से आप निकलिए, अपने आप को बाहर लाइए। अगर आप इन चीज़ों में इतना ज़्यादा परेशान हैं कि आप अपने चीज़ों को खोल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो उस चीज़ को बाहर लेकर आइए, अपने आप को थोड़ा सा शांत पीसफुल माहौल में लेकर जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपके मन को आसानी मिल सकती। और
मेजर चीज़, अगर आप अपने रिश्ते में, दोनों ही की बात मैं कर रही हूँ, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, अगर आप दोनों में कुछ एक दूसरे के बीच में हिडन चीज़ें हैं तो उन हिडन चीज़ों को भी रिवील करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से भी ये सिचुएशंस बार बार आ जाती हों। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं या किसी के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ किसी तरीके की भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चीटिंग इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा अफेयर हो तो उसी की चीटिंग की बात करें। हम हर चीज़ शेयर करना पसंद करेंगे और हर चीज़ शेयर करेंगे, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कहने का मतलब ये है, अच्छी बात हो बुरी बात हो एक दूसरे से छिपाइए नहीं, शेयर करें। तो ये कुछ मैसेजेस निकल कर आए हैं, ओवरऑल सारे नेगेटिविटी को दूर करने ही के मैसेज आए हैं ताकि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है। अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।